ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये खूबसूरत सी कैप बनाई है। आप इसे किस तरह से बनाएंगे मैं इसकी पूरी विधि आपको बता देती हूँ। मैंने ये 16 फंदे में जो है बनाया है ये कैप, और ये 5 इंच का पूरा इसकी लंबाई होने पर 16 यहाँ से फंदे मैंने डाले हैं, 16 फंदे का मैंने ये कैप बुना रखा है। ये डिज़ाइन में एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके बुना है। यहाँ पे भी मैंने जोड़ दिया है, और ये जो साइड से फंदे 16 फंदे उठाकर मैंने बॉर्डर बना दिया है, और ये डोरी लगा दी है। आइए मैं बताती हूँ इसको किस तरह से जो है बनाया जाएगा। ये बहुत ही थोड़े फंदों में कम ऊन में बनेगा फ्रेंड्स जी, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो आप। आइए मैं आपको इसको बनना बताती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, बबिता कृष्ण में आपको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक कैप बताने जा रही हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम ऊन में बनने वाला है ये। मैं इसको बुनना बताने जा रही हूँ। मैंने ये 16 फंदे रखे हैं, और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा करके मैंने जो है इसकी जो है बुनाई की है। आप देख सकते हो, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अब मैं इसे जो है दूसरे कलर लगाऊंगी, और मैं एकदम बॉर्डर की तरह जैसे मैंने बुन रखा है एक फंदा उल्टा सीधा एक फंदा उल्टा, उसी तरह से मैं पूरी सिलाई अपनी कंप्लीट करूंगी। इस तरह से मैं अपनी जो है पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी। मैं ये जो कैप बताने जा रही हूँ आपको, ये 2 कलर में बन के तैयार होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो है एक तरफ की जो है डिज़ाइन बनती चली जा रही है। इसी तरह से जो मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा मैंने बुन लिया है। ये मेरा जो है पूरी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। मैं सीधी साइड पे आ गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, पूरी सिलाई सीधी बुननी है। इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई जो है सीधी बुनूंगी। देखिए, हमारी पूरी सिलाई सीधी रहेगी। इसी तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई जो है कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, अब मैं उल्टी सिलाई बुनूंगी अपनी। उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी रहेगी। देखिए, इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई जो है उल्टी बुनूंगी। ये देखिए, ये देखिए मेरी पूरी उल्टी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब फिर मैं जो है अपनी सीधी सिलाई पूरी सीधी बुनूंगी। इस तरह से मुझे अपनी पूरी सीधी सिलाई जो है सीधी बुननी है। ये देखिए, मेरी सीधी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। ये कैप मैं आपको 2 कलर में बता रही हूँ, इसलिए अब मुझे अपना अगला जो है कलर इसमें जोड़ना होगा।
एक दो तीन चार सिलाइयाँ जो है मैं बुन चुकी हूँ। अब ये कलर मैं उसी तरह से जोड़ूंगी जिस तरह से मैंने ये क्रीम कलर जोड़ा था। पर्पल कलर भी उसी तरह से जोड़ा जाएगा। ये देखिए क्या करना है इसके लिए मुझे, पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करके मैं अपने इस कलर को जो है जोड़ दूंगी। ये देखिए ये सीधे की तरफ इस तरह से बन रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से बुनना है। और जो है लगभग मैं इसे इसका जो जितनी लंबाई मुझे चाहिए इसकी उतनी मैं इसे जो है बुनूंगी। बुनने के बाद मैं आपको बताऊंगी कितना मैंने बुना है, ये इसकी लंबाई कितनी रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी जो है इसकी बुनाई कर ली है। ये लगभग 5 इंच का मैंने बुना है। ये देखिए 5 इंच की इसकी बुनाई कर ली है मैंने। देखिए बुनने के बाद डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको जो है हाफ इन हाफ करना है। आधा आधा फंदा दो सिलाइयों में करना है। मैं आधा आधा करके दो सिलाई मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद इनसे हमें जो है जोड़ना है यानी घटा देना है। ये देखिए मैंने आपको दो सिलाइयों में करके जो है घटाना बता चुकी हूँ किस तरह से घटाया जाता है। तो इसी इसको भी जो है इसी तरह से हम घटाएंगे जिस तरह से हमने कैट कैप में घटाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 30 30 फंदे दो सिलाइयों में कर रखे हैं। ये अब हमें जो है इसको ये सीधे का भाग अंदर करके ये उल्टा मारा है इस तरह करके हम इसका जो है जोड़ लेंगे। ये मैंने ऊन लगा रखा है, इसको ऊन इस तरह से यहाँ पे ला के जोड़ के उसके बाद जो है इस तरह से दो फंदे, एक सिलाई इस सिलाई के एक इस सिलाई के, दो फंदे में इस तरह से बुनने हैं। फिर एक और एक इस सिलाई का और एक दूसरी सिलाई का बुनना है। फिर पीछे का फंदा जो है हमें इस तरह से आगे लाके गिरा देना है। देखिए इस तरफ का भी ऐसे ही हमें करना है। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे बुनने हैं और इस तरह से गिरा देनी है। मैं इसको जो है जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे जोड़ लिया है। देखिए ये हमारा जो है जुट गया है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए सीधा करने के बाद ये हमारी कैप इस तरह की लग रही है। अब मुझे करने क्या है, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। मुझे यहाँ से जो फंदे उठाने हैं, फंदे फ्रेंड्स मैं उतने ही उठाऊँगी जितने मेरे उठेंगे। मैं आपको वो फंदे उठा के बॉर्डर बना के उसके बाद कितने फंदे उठाए मैंने वो भी बता दूंगी मैं आपको। ये टोपी इस तरह से आएगी। जब ये छोटा सा बच्चा इसको लगाएगा तो ये कैप इस तरह से आएगी, इसमें इसका बच्चे का चेहरा रहेगा। फ्रेंड्स मैं इसके जो है फंदे उठा के बॉर्डर बना के आपको दिखाऊंगी। इतना मैंने बना लिया है। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कैप बन के जो है तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से बन के आई है। मैंने जो है यहाँ पे 16 फंदे उठाए और मैंने बुन लिए हैं। ये इस तरह की कैप है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है इस टाइप की डोरी बना के लगा दी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है दिखने में। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा भी ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।